हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से अस्त्र मार्क 2 की रेंज 130 किलोमीटर के अप्रॉक्स बताई जा रही है, तब से कुछ आर्ग्यूमेंट्स यह आ रहे हैं कि इस मिसाइल की रिक्वायरमेंट क्या है। सीधा अस्त्र मार्क 3 पर हमें जाना चाहिए, जहां पर अच्छा खासा रेंज एक्सटेंशन मिल रहा है, क्योंकि अस्त्र मार्क 1 में 110 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मैक्स रेंज मिल ही जाती है। तो मार्क 2 में हमें कुछ खास अपग्रेड मिल नहीं रहा है, तो फायदा क्या है इस प्रोग्राम में समय वेस्ट करने का। बेटर ये हो कि सीधे हम आगे बढ़कर मार्क 3 पर काम करें। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि जो अस्त्र मार्क 2 का प्रोग्राम है, ये एकदम डिफरेंट नहीं है अस्त्र मार्क 1 से, और इसको एक तरीके से आप अस्त्र मार्क 1 पे एक अपग्रेड कह सकते हैं। मिसाइल का डिज़ाइन, शेप, साइज और इवन वेट ऑलमोस्ट सिमिलर आपको मिलेगा अस्त्र मार्क 1 के, और उसके बाद भी यहाँ पर रेंज एक्सटेंशन है ड्यूल पल्स मोटर को यूज़ करते हुए, जिसकी वजह से ये मिसाइल ज़्यादा डिस्टेंस तक अपनी एनर्जी को मेंटेन कर पाएगी। इसका रिजल्ट ये होगा कि जो नो एस्केप जोन है इस मिसाइल का, वो अस्त्र मार्क 1 के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा मिलेगा, जैसे कि हमने सुबह के वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर अस्त्र मार्क 1 ज़्यादा इफेक्टिव है 60 से 80 किलोमीटर के बीच में, तो ये मिसाइल कम से कम 90 से 110 किलोमीटर की रेंज में ज़्यादा इफेक्टिव होगी, और ये छोटा एडवांटेज नहीं है। वहीं पर जब बात आती है SFDR या फिर अस्त्र मार्क 3 की, तो वो एकदम डिफरेंट मिसाइल है, वो कोई अस्त्र का अपग्रेड नहीं है। अस्त्र मार्क 2 के साथ खास बात यह होगी कि इसका जो टेस्टिंग प्रोसेस चलेगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स इस मिसाइल के अस्त्र मार्क 1 से मेल खाएंगे, जिसको हम पहले ही लॉन्ग ड्यूरेशन तक टेस्ट कर चुके हैं। बाकी यहाँ पर जो लंबे ट्रायल्स चल रहे हैं, ये वेपन रिलीज के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिवर्सल लॉन्चर को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अस्त्र के डिफरेंट वेरियंट्स को लॉन्च करने में सक्षम होगा। ये एक तरीके से इजेक्टर लॉन्चर है। तो लॉन्च मैकेनिज्म में यहाँ पर बदलाव है, इसलिए यहाँ पर समय लगा, वरना एक बार ये मिसाइल टेस्ट फायर हो जाएगी तो उसके बाद ज़्यादा समय सर्विस इंडक्शन में नहीं लगना चाहिए। इवन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो कि अस्त्र मार्क 1 फायर करने में सक्षम है, उनसे भी इसका इंटीग्रेशन सीमलेसली होना चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अस्त्र मार्क 2 में एयरफोर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ये सरासर गलत हैं। इवन ये जो अस्त्र मार्क 2 आ रही है, फ्यूचर में इसके भी अपग्रेड्स आएंगे, जिसके अंतर्गत इसका भी रेंज एक्सटेंशन होगा, कैपेबिलिटी इम्प्रूव होगी। तो ये जो 130 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मैक्स रेंज बताई जा रही है, ये बिल्कुल 150 तक पहुंचेगी, जो कि जैसा हमने डिस्कस किया था सुबह, रशियन BVR मिसाइल्स से ज़्यादा रेंज है, और इसको एक्सपोर्ट मार्केट के लिए एक काफ़ी अट्रैक्टिव मिसाइल बनाती है। तो अस्त्र मार्क 2 का जो कंपैरिजन है, ये AMRAAM के लेटेस्ट D वर्जन से किया जा सकेगा, और ये मिसाइल चाइनीज़ PL-15 से भी कंपेयर करी जा सकेगी। वहीं पर अस्त्र मार्क 3 जो है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ये मीटियोर की कैटेगरी में आती है, जिसके लिए शुरुआत में कह दिया जा रहा है कि 300 के ऊपर की मैक्सिमम रेंज होगी, पर हमारे हिसाब से ये 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स की ही होगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ होगी, वो ये होगा कि जो नो एस्केप जोन है, वो अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा, जो कि एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इवन अस्त्र मार्क 2 से अगर आप 160 किलोमीटर की रेंज की बात करते हैं, तो एवैक्स जैसे बड़े और स्लो टारगेट्स को हिट करने के लिए ये आप अचीव भी कर सकते हैं, पर फाइटर साइज के लिए अगर आपको 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स की रेंज मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ हम ये चीज़ भी ऐड करना चाहते हैं कि एक बार ये सर्विस इंडक्ट होगी, तो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में ये लॉन्गेस्ट रेंज की BVR मिसाइल होगी, जो कि किसी दूसरे वेस्टर्न मिसाइल्स और रशियन मिसाइल से ज़्यादा रेंज रखेगी। तो ये बात हम दोबारा रिपीट कर दें कि दोनों अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 पोटेंशियल रखते हैं रेंज एक्सटेंशन का, जो कि हम फ्यूचर में देखेंगे। बाकी जो मार्क 1 के कंपैरिजन में मार्क 2 में आपको सबसे बड़ा चेंज मिलेगा, वो तो पहले ड्यूल थ्रस्ट मोटर होगी, यहाँ तक कि जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ है, इसमें भी बदलाव होंगे, और ये ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ होगा या फिर लेज़र प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ होगा, जो कि जैम रेजिस्टेंस और ज़्यादा एक्यूरेट बताया जाता है। इवन रडार को लेकर भी कुछ न्यूज़ आ रही हैं कि फ्यूचर में चलकर ये ASR रडार हो सकता है, जो कि अगेन इस मिसाइल की जैम रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। तो मार्क 2 बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है मार्क 3 में जाने से पहले, और इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि हो सकता है जो SFDR मिसाइल है, इसका नाम मार्क 3 ना ही रखा जाए, क्योंकि मार्क 2 के बाद भी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में रेंज एक्सटेंशन का। इसलिए अभी तक SFDR को ऑफिशियली अस्त्र मार्क 3 नहीं कहा जाता है। आई होप डाउट्स यहाँ पर क्लियर रहे हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।